हम अपने चैनल कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक जानकारियां देते हैं ताकि आप लोग बाखबर रहें उस अत्याचार से, उस जुल्म से और उस नाइंसाफी से जो उन मकबूजा इलाकाजात में हर रोज का मामूल है। नाजरीन, आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के गिरने के साथ ही पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी पीटीआई की जो हुकूमत थी, यानी इमरान खान की पार्टी की जो हुकूमत थी, उसके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा करा दिया। ये मोशन उस तरह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले इस मोशन को जमा कराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले ये मोशन खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ POJK यानी आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उनके सदर तनवीर इलियास ने खुद जमा करा दिया। सोचने की बात है कि तनवीर इलियास ने अपनी ही सरकार गिराने के लिए ऐसा कदम क्यों उठाया। इसकी दो वजूहत, एक वजह तो इसकी ये है कि तनवीर इलियास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा पैसा लगाया और वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम के उम्मीदवार थे, लेकिन इमरान खान ने आखिरी वक्त में यू टर्न लेकर अब्दुल कयूम नियाजी को पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का वजीर आजम नामजद कर। इसके बाद तनवीर इलियास को एक वजारत दी गई, सीनियर मिनिस्टर उनको बनाया गया। अब जब ये हुकूमत गिरी है तो तनवीर इलियास के पास ये मौका आ गया है कि वो अपनी ही सरकार गिराकर और अब्दुल कयूम नियाजी को हटवाकर जब नए वजीर आजम का इंतखाब हो तो उसमें वो खुद अपने आप को पेश करें और नया वजीर आजम बने। सवाल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सोच रहे थे कि POJK की PTI सरकार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया जाए, तो फिर क्या वजह है कि इलियास तनवीर ने इतना बड़ा रिस्क लिया। उसकी वजह यह है कि तनवीर इलियास दर पर्दा पैसे के जोर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो असेंबली मेंबर हैं उनको खरीद कर अपने हक में वोट डलवाने का इरादा रखते हैं और इस सिलसिले में कोशिशें शुरू हो चुकी। देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का सरकारी सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील हो। दरी असना पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग दोजख में रह रहे हैं और यही हाल पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का। रमजान के महीने में जब मुसलमान सुबह सहरी के टाइम उठते हैं रोजा रखने के लिए और फिर शाम को अफ्तारी करते हैं, इस दौरान मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग जारी है जिसकी वजह से शदीद गर्मी में लोग इंतहाई परेशानी के आलम में जी रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मुजफ्फराबाद दारुल खिलाफा जो है वहां रोजाना एवरेज 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और उस लोड शेडिंग की वजह से, यानी बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि मोटरें नहीं चलती, ट्यूबवेल नहीं चलते, तो पानी की भी शदीद कमी हो गई है। शहर गर्मी से लोग निढाल हो चुके हैं और एहतजाज का सोच रहे हैं। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोच रही हैं कि एक बड़ा एहतजाज किया जाए। इसी तरह नाजरीन, सिमहानी में भी 14 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग हो रही और कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका। डडियाल सेक्टर 3 में भी मेन रोड पर जो घर है, यानी पाइपलाइन गुजरती है वाटर की, मेन रोडों से ही गुजरती है, तो मेन रोड पे जो घर है वहां पे भी पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे। इसी तरह पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी तवील लोड शेडिंग, पानी और आटे का बहरान बदस्तूर जारी है और लगता यह है कि हम लोगों को पाकिस्तान की जो सरकार है वो POJK और POGB में जो आसमान पे कहते हैं कि कोई जहन्नम बनी हुई है, उस जहन्नम की रिहर्सल करवा रहे हैं, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि उस जहन्नम की आग जो है उसमें जब हम जलें तो वो हमें ज्यादा उसकी तपिश महसूस ना। नाजरीन, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुजफ्फराबाद जो है, जो POJK का कैपिटल है,
वहां से आटा गायब कर दिया गया है और लोग आटे की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से गंदम की सब्सिडी में घपले बनाकर माल बनाया गया है। इसी तरह मुजफ्फराबाद में जो जम्मू कश्मीर से महाजर आए थे, उनका जो कैंप है मानक पियां बी2 में, बिजली की तभी लोड शेडिंग जारी है और शदीद गर्मी है और महाजरों ने भी मुजाहरा करने का ऐलान किया है। ये कुछ खबरें थीं। अब मैं आपको भारतीय यूनियन टेरिटरी के हवाले से खबर बताऊं कि रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ है वहां पे और 80,000 टूरिस्ट जो है, सॉरी 80 लाख टूरिस्ट जो है वो पिछले चंद महीनों में वादी में आया है और डल झील को भी साफ किया जा रहा है और मेरा 234 करोड़ रुपए का बजट है जिसमें डल झील को भी साफ किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 150 साल में डल झील इतनी साफ और शफाफ दिखाई नहीं दी गई जितनी अब हो गई है। इसी तरह 3,500 शिकारों की पार्किंग जो है पानी के अंदर, उसको भी अरेंज किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक तरफ जहां पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, लश्कर तैयबा के लोग पकड़े जा रहे हैं क्योंकि उनके सेल्स बर्स्ट हो रहे हैं और लोकल आबादी खुद उनके बारे में पुलिस को और सिक्योरिटी एजेंसियों को जो है वो मुखबरी करती है, इतला दे देती है कि जी यहाँ पे इस घर में है या फलां जगह पे हमने देखा है लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को, तो वो वहां छुपे हुए आ गए। लेकिन इस दौरान जो है वो एक साबिक वजीर बाबू सिंह के बारे में भी ये इंकशाफ हुआ कि वो हवाला मनी के केस में उनका नाम आया है और जिस शख्स को पकड़ा गया उसको ये उसने बताया कि उससे 6,90,000 रुपए पकड़े गए जो जिसका ताना बाना बाबू सिंह से जाकर मिलता है। गिरफ्तारियां हुई तो बाबू सिंह फरार हो गए और वो मफरूर होकर छुप गए। उनकी तलाश में जगह जगह छापे मारे गए और बिल आखिर पंजाब के नजदीक एक गांव से उनको गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त वो जेरे हिरासत है और ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उन्होंने अचानक से 370 और 35A धारा के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन ऑर्गेनाइज करने की जो तैयारी की थी उसके लिए पैसे कहां से आ रहे थे और उसके पीछे उनको किसकी सपोर्ट थी। हम इसके ऊपर कोई तबसरा अभी नहीं कर सकते क्योंकि मुकदमा अभी चलेगा और उस मुकदमे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि तिहाड़ जेल में बदनामे जमाना दहशतगर्द और कातिल यासीन मलिक के खिलाफ जो तिहाड़ जेल में है केस जो है वो शुरू हो गया है और बहुत जल्द उनको और उनके 11 साथियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उनके ऊपर जो है वो मुकदमे शुरू हो जाएंगे। पहला मुकदमा गालबन जो है वो एक अगवा का है जिसमें वो इन्वॉल्व थे और मेरा ख्याल है वो अगवा जो है वो मुफ्ती जो थे होम मिनिस्टर उनकी बेटी से के अगवा से मुतालिक। इसके साथ साथ नाजरीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने इमरान खान सरकार के गिरने पर शुक्राना किया और शुक्र इसलिए अदा किया क्योंकि इमरान खान की ये साजिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की शनाख्त खत्म कर दी जाए और इसके लिए उन्होंने 23 मार्च को गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां अबूरी सूबा बनाने का फैसला किया था लेकिन वो खुद ही अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन की जद में आ गए और इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर रियासत पाकिस्तान की जानिब से होने वाला एक घिनौना हमला वक्ती तौर पर टल गया। नाजरीन आपको ये भी बताता चलूं कि आप जानते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाई थी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर हिम्बर से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान खातून से जो जिनके 4 छोटे बच्चे हैं और वो तारिक फारूक नामी एक सीनियर वजीर जो थे उनके जो साथी थे और उस गैंग का वो शिकार हुई और उनको गैंग रेप किया गया और उनकी वीडियो बनाई गई और 7 महीने तक उनको ब्लैकमेल किया गया और 7 महीने तक उनको वक्तन फवक्तन जो है वो रेप भी किया गया, मुख्तलिफ अफराद ने से उनको रेप करवाया गया और उनके बेटे को भी अगवा किया गया और उसका तावान मांगा गया जो उन्होंने अदा किया। इसके अलावा उनको मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता रहा और उनसे लाखों रुपए जो भी उनके
आमद की और उनके देवरों की जो जमा पूंजी थी वो सारी उसमें चली गई। नाज़रीन, आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करती हूँ कि मुझे शेल्टर दिया जाए और प्रोटेक्शन दी जाए और मुझे जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में आने की इजाजत दी जाए। इस हवाले से उनकी वीडियो हमारे पास है जो मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर की जाए, तो जरा वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अफवाह तवान का है। मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया, तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को ख़तरा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ का साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूक किसी भी वक्त मुझे, मेरे बच्चों और मेरे शोहर को कत्ल कर देंगे, तो इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो जो है हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें, हमें प्रोटेक्शन दें। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, हमने बहुत कोशिश की कि मारिया ताहिर जी से हम रابطہ करें और उनको हम अपने शो में शामिल करें, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह तो लोड शेडिंग हो रही है और अगर बिजली ना हो तो फिर उनका इंटरनेट नहीं चलता। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उनको इसका तोड़ निकाला है और उसका तोड़ ये है कि हमने उनको अपने साथ फोन लाइन पर कनेक्ट किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमजद भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हैं बहन। आपने आज नरेंद्र मोदी जी, भारतीय वजीर आजम से अपील की है कि आपको शेल्टर और प्रोटेक्शन दें, आखिर कैसे ये आप इस मतलब है पहुंची हैं इस मकाम तक कि आपको नरेंद्र मोदी जी से प्रोटेक्शन और शेल्टर की अपील करनी पड़ी? हाँ भाई, वो इसलिए कि मैं पिछले 7 सालों से मैंने देख लिया यहाँ पे जो है पुलिस का क्या निज़ाम है, इंसाफ का क्या निज़ाम है, गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं और अदालती निज़ाम क्या है, तो बहुत मजबूर होके, बहुत तंग आके, बहुत बस क्या बताऊँ भाई आपको। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं नहीं चाहती जिस तरह से मेरे मुलजिमान कहते थे मेरे बच्चों से रेप करेंगे, तो मैं तो अभी तक अपने लिए इंसाफ नहीं ढूंढ पाई हूँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ से इंसाफ ढूंढ के दूँ। तो मैंने अपने बच्चों की जानों के तहफ़ के लिए ये फैसला किया है कि हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं है, हम लोग यहाँ पे गैर महफूज हैं, तो हम जो है हम अपनी रियासत में जाएं और उसके लिए मुझे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी इजाज़त की ज़रूरत है और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से भी मैं उनसे अपील करूँगी कि वो जो है हमें प्रोटेक्शन दें, हमारे बच्चों को जो है जानों का तहफ़ दें, ताकि देखिए इंसाफ तो तब मिलेगा ना जब हम जिंदा होंगे, जब हमें यहाँ पे मार दिया जाएगा तो हम इंसाफ किससे लेंगे? इंसाफ लेने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना। तो अपने बच्चों को जो है मैं के लिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो है मोदी जी से प्रोटेक्शन की अपील करूँ। तो इस वक्त आपकी जान को आप कहती हैं खतरा है, ये आप खतरा क्यों महसूस कर रही हैं और किससे आपको खतरा है? अमजद भाई, मुझे जो है जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर के साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूक और आज़ाद कश्मीर की पुलिस, इनसे जो है मुझे जान का खतरा है। वो इसलिए है क्योंकि जो मेरे मुलजिमान हैं वो तारिक फरूक की जो है पुश्तनाई में ही माजी में भी जो है बहुत सी लड़कियों से रेप कर चुके हैं, उन्हें जो है रेप के बाद जिंदा जला चुके हैं, ये लोग सरकारी इमारतों पे हमले कर चुके हैं, ये लोग डीसी और एसपी को जो है मार मार के बंदर बना चुके हैं। आज जब देखें जिनके पास अख्तियारात हैं वो लोग जो है इनकी दहशत गर्दी से महफूज नहीं रह सके, तो मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे महफूज रह सकते हैं? तो ये लोग जो है हमें बराह रास्त धमकियां देते हैं,
और हमें जो है जो जम्मू कश्मीर पुलिस है ये जो है हमें कॉल्स करती है मुझे, और ये मुझे धमकियां देती है, मेरे हस्बैंड को कहती है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में छोड़ के जाओ। तो अब देखिए, पहले थोड़ा तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना नहीं ना बनाया गया, बहुत ज्यादा जो है हमें इन लोगों ने तंग किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। तो अब जो है तारिक फारूक और ये जो पुलिस है ये हमें जो है मारना चाहती है, क्योंकि मैं पहली औरत हूँ जो इनके खिलाफ निकली हूँ, मैंने इनके खिलाफ बगावत की है। तो जाहिर है मैं जब इनके पास अख्तियारात थे वो लोग इनसे महफूज नहीं रह सके, वो लोग इंसाफ नहीं ले सके, वो लोग जो है शहर छोड़ के मुल्क छोड़ के जो है चले गए। तो मैं तो फिर एक औरत हूँ, मेरे तो फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं फिर कैसे महफूज रह सकती। जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का। हम अपील करेंगे कि ये जो इनकी इनका मैसेज है, ये भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी तक, फॉरेन मिनिस्टर्स तक और मीडिया तक खास तौर पर पहुंचे, ताकि जितना इसको आप मीडिया में हाईलाइट करेंगे उतना ही इस बात का इम्कान है कि ये जो नामुराद तारिक फारूक है, सबका सीनियर मिनिस्टर, और जो उसके साथी हैं और जो पुलिस है, वो इनको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। नाजरीन, ये जैसा बता रही थी कि पीओजेके में ये कोई गैंगरेप का पहला वाकया नहीं है, ऐसे बेशुमार वाकयात हो चुके हैं, और उन वाकयात के बाद कई लड़कियों को तो जिंदा जला दिया गया ताकि सबूत ना रहे। ये घिनौनी खबरें पीओजेके से बाहर नहीं आई इसलिए कि पीओजेके के अंदर पूरा मीडिया ब्लैकआउट है, और पीओजेके के अंदर बिजली नहीं होती, और पीओजेके के अंदर जो इंटरनेट का पावर है वो पावर नहीं है। 2 GB हो तो बड़ी खुशकिस्मती है किसी की, वीडियोस डाउनलोड नहीं होती उस पे, व्हाट्सएप पे लोगों यूट्यूब चैनल वो देख नहीं सकते। तो इस किस्म की एक मतलब है टोटल ब्लैकआउट किसी सूरत हाल है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के जो लोग हैं वो जगह जगह उनकी वो मौजूद हैं, और जब वो किसी लड़की को देखते हैं और उनको पसंद आ जाए तो उसे उठा कर ले जाते हैं और कैंप में उसको रेप करते हैं, और फिर वो खानदान पर प्रेशर डालते हैं कि आप जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, वरना आपके खानदान को भी जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अगर किसी पाकिस्तानी फौजी सिपाही को कोई लड़की पसंद आ जाए और वो उसे शादी करना चाहे तो भी यही तरीकाकार अपनाया जाता है, लड़की को उठा के ले जाया जाता है और फिर उनकी फैमिली के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि इस लड़की को आप इस फौजी सिपाही के निकाह में दे दें। ये वाकयात अगर आप पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जाए तो ये वाकयात आपको वहां के रिक्शे वाले से लेकर टैक्सी वाले से लेकर हलवाई की दुकान वाले तक, यानी कि हर जगह आपको ये बातें कंफर्म हो मिलेंगी, यानी सबको ये पता है। लेकिन जाहिर है कि एक महकूमी में लोग रह रहे हैं, एक गुलामी में लोग रह रहे हैं पिछले 75 सालों से, और यही वजह है कि ये खबरें जो है वो बाहर नहीं आती, क्योंकि लोग भी डरते हैं, और कई तो ऐसे वाकयात हैं जिनको लोग पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करते। मारिया ताहिर ने हौसला पकड़ा, हिम्मत की और इनके खिलाफ डट गई, जैसा कि आप उनकी आवाज से भी देखा है, आपने वीडियो भी देखी है। एक शीज अ यंग वुमन, और छोटे छोटे उनके 4 बच्चे हैं स्कूल गोइंग। इन्होंने जो है ये अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों में गई, थानों में गई, सब जगह गई, लेकिन इनको कहीं से इंसाफ नहीं मिला। चीफ जस्टिस तक ये गई, पीओजेके के जो चीफ जस्टिस है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। और अब इनकी जान को इसलिए खतरा है क्योंकि ये बैक डाउन नहीं कर, ये सुलह नहीं कर रही उनके साथ, ये उनको खामोशी इख्तियार नहीं कर रही, बल्कि ये इंसाफ के उसूल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए इस किस्म की महिला को रास्ते से हटाना जो है वो तारिक फारूक गैंग और पुलिस के लिए अब जरूरी हो चुका है, और यही वजह है कि मारिया ताहिर ने ये स्टेप उठाया है कि पीओजेके में बैठ के वो अपनी वीडियो बना रही हैं
और वीडियो में वो कह रही है कि मोदी जी मुझे प्रोटेक्शन दें, मुझे पनाह दें और मुझे मेरे बच्चों को और मुझे हमें बचाए। नाजरीन, पीओजे के से इस तरह की वीडियो बना के अपलोड करना और मीडिया में आके इस तरह से बातें करना और मीडिया में आके ये कहना कि हम मोदी जी से अपील करते हैं, ये बहुत ही एक संगीन जो है जुर्म समझ लें आप, तसव्वुर किया जाता है कि क्योंकि वो तो कहते हैं कि मोदी हमारा दुश्मन है, तो एक दुश्मन से एक महिला जो है वो पनाह मांग रही है, यानी जिसको ये कहते हैं कि ये दुश्मन है, उस दुश्मन को वो में पनाह लेने के लिए वो तैयार हो गई है। और नाजरीन, ये कोई पहली नहीं है खातून जिन्होंने भारत को पुकारा है। इसी चैनल पे मैं आपको मुतअद्दद बार ऐसे वीडियो दिखा चुका हूँ जिनमें लोगों ने मोदी जी को पुकारा है और कहा है कि मोदी आओ और हमें इस जुल्म से निजात दिलाओ। नाजरीन, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कब हम लोग वापस भारत के साथ मिलेंगे, कब हम वापस जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ेंगे, कब हम वापस लद्दाख के साथ जुड़ेंगे। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि हम एक ना एक दिन जरूर जुड़ेंगे, हम एक ना एक दिन जरूर जुड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि इस वक्त भारतीय सरकार लाजमी तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान को अपने टेरिटरी में वापस शामिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए। रोम एक दिन में नहीं बना, आजादी एक दिन में नहीं मिलती, आजादी के लिए तहरीकें चलानी पड़ती हैं। लिहाजा पीओजेके की ये जो आवाजें हैं, जब ये बहुत आवाजें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर पाकिस्तान के लिए हम लोगों को मजीद अपनी गुलामी में रखना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज का हमारा जो प्रोग्राम था, ये हमारे चैनल के आप अगर जाएं YouTube चैनल पे, वहां से भी आपको मिल जाएगा और Facebook पे भी हमारे जो है MATV की Facebook से भी आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इतना शेयर करें कि पूरे भारत में ये वीडियो आम हो जाए। क्योंकि नाजरीन, जब ये कहा जाता है, मुसलमान ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो मैं ये कहता हूं कि एक महिला का बलात्कार पूरे समाज का बलात्कार। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को इजाजत दीजिए। जय हिंद।